अभी हम भारत के शहरों एवं राज्यों के भौगोलिक उपनाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी हम पहला देखेंगे कि कैसे ये उपनाम शहरों के पड़े, पहले कौन से नाम थे, अभी कौन से नाम है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ताकि आपको पता चले कि अभी उनका नाम क्या है और उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है उस शहर को, और पहले क्या नाम था और ये नाम कैसे पड़ा और किस तरीके से पड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना, देखना, और हो सके तो ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, कुछ अलग तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा यही रहेगा कि वो जो प्रश्न पूछे जाए, मैं ये आपको वीडियो शेयर करूँ, उसके अंदर वो सारे प्रश्नों के आंसर अंदर मिल जाए आपको। पहला है ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान बताया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। एक बार आप प्रयाग स्थान पे जाके देखेगा। पंच नदी की भूमि पंजाब। पंजाब में पंच नदियों की बहुत बड़ी भूमि है, पंजाब कहलाती है ये, ठीक है। टीपू सुल्तान का नगर, मुंबई को पहले टीपू सुल्तान का नगर माना जाता था, ठीक है। ये मुंबई नाम अंग्रेजों ने दिया हुआ है, ठीक है। अभी पंच नदियों की भूमि पंजाब, इसीलिए नाम पड़ा है पंजाब, क्योंकि पंच नदियों की भूमि उसको माना जाता है। बुनकोर का शहर पानीपत। बुनकोर का शहर पहले बोला जाता था पानीपत, उनका वो एक मैदान का नाम था पानीपत, तब जब युद्ध होने के बाद ही वो बुनकोर का शहर पानीपत के नाम से जाने जाने लगा। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर, मतलब वहाँ पे बेंगलोर में बहुत सारी, आप बोलते हैं ना प्रयोगशाला है, बहुत सारे साइंटिस्ट के प्रयोजक के हैं, स्कूल्स हैं, मतलब वहाँ पे अंतरिक्ष से लगी हुई बहुत सारी प्रयोगशाला भी है। डायमंड हब कलकत्ता माना जाता है, डायमंड हब को कलकत्ता माना जाता है, क्योंकि कलकत्ता से रॉ डायमंड मिलता है हमें। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ईजाद होती है, वहाँ पे इंजीनियर भी बहुत सारे हैं। त्योहारों का नगर मदुरई। मदुरई में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं, जिसमें पूरे इंडिया में कभी भी किसी ने नहीं मनाए हैं। मदुरई में त्योहारों का अलग ही मज़ा, अलग ही उत्सव होता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो सोने का बना है, गुरुद्वार है, एक बार आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। महलों का शहर कलकत्ता। कलकत्ता को महलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे रानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा महल है, एक बार आप वहाँ पे जाके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों के भी बहुत बड़े बड़े महल बने हुए, वहाँ के राजाओं के भी बहुत बड़े बड़े महल बने हुए। कलकत्ता में आज की तारीख में भी राजा रहते हैं, राजाशाही नहीं है, लेकिन आज की तारीख में भी वहाँ राजा रहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ कहलाता है, और आज की तारीख में भी वो लखनऊ के अलावा अगर कोई बोले नवाबों का शहर, लखनऊ ही होगा। इस्तपा नगरी जमशेदपुर। जमशेदपुर को पहले इस्तपा नगरी बोला जाता था, बाद में उसका नाम जमशेदपुर बना। पर्वतों की रानी मसूरी। मसूरी में पर्वतों की रानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मसूरी में बहुत अच्छे अच्छे पर्वत हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, बहुत ब्यूटीफुल लगती है मसूरी। एक बार आप मसूरी जाके आइएगा, हिल स्टेशन है। रेलियों का नगर नई दिल्ली। नई दिल्ली में बहुत सारी ट्रेनें हैं,
मतलब जितनी पूरी इंडिया में नहीं है, सबसे ज़्यादा ट्रेनें वहाँ पे है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, मुंबई से कोई भी कंट्री से आ जा सकता है, इसलिए भारत का मुख्य स्थान मतलब मुख्य गेट बोले, मुख्य द्वार बोले, मुंबई है। पूर्व का वेनिस कोची, पूर्व का वेनिस कोची, कोची एक बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सुंदर है, साफ सुथरी रखते हैं उनको और अच्छा लगता है वहाँ पे। भारत का त्रिशंगर्व जमशेदपुर बोला जाता है उसे। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, अहमदाबाद मानव का भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। मसालों का बगीचा केरल, आपको पूरी इंडिया में कोई मसाले नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ छूट जाएगा, लेकिन केरल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे के सारे मसाले बनते भी हैं, उगाए भी जाते हैं, खेती भी की जाती है, सारे मसाले आपको वहीं पे मिल जाएंगे। कुछ मसाले तो ऐसे होते हैं जो हमने देखे भी नहीं होते, वो आपको केरल में मिल जाते हैं। गुलाब की नगरी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पिंक सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जब शाम गिरती है ना, पूरी सिटी पिंक पिंक हो जाती है, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, बहुत सुंदर सिटी है वो। क्वीन ऑफ डेवन पुणे, पुणे को किंग ऑफ डेवन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई, वहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड स्टार रहते हैं, ठीक है, इसलिए भारत का हॉलीवुड उन्हें ही कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर, बहुत सुंदर नगरी है श्रीनगर, कश्मीर में आई हुई है। फलों घानों का स्वर्ग सिक्किम, सिक्किम में बहुत सारे आपको फल मिल जाएंगे, एक स्वर्ग की तरह महसूस होगा आपको। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, पहाड़ी की मल्लिका को नेतरहाट कहा जाता है, बहुत अच्छी मतलब पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची हैं और बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ का। भारत का डेंट्रा इंट पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, अगर आप जयपुर को पिंक सिटी भी बोल सकते हैं तो पेरिस भी बोल सकते हैं। सॉल्ट सिटी गुजरात, सॉल्ट सिटी गुजरात को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अभी उभरती हुई सिटी है, गुजरात राज्य। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश बोलते हैं उनको, सोया प्रदेश को। मलई का देश कर्नाटक, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, कावेरी बहुत बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा है। काली नदी, काली नदी मतलब शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है क्योंकि उसका पानी थोड़ा काला है, इसी वजह से उनको काली नदी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी पहाड़, हिमालय में आया हुआ है, पूरा पर्वत नीला है। एशिया के अंडे की टोकरी वो है आंध्र प्रदेश, एशिया के अंडों की टोकरी वो है आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश नक्शे में ऐसे दिखते हैं अंडों की टोकरी की तरह। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर है। सुरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कनौज, कनौज में बहुत सारे आपको फूल मिल जाएंगे तरह तरह के, क्योंकि पूरी इंडिया की सप्लाई कनौज से ही होती है फूलों की। काशी की बहन, काशी की बहन है गाजीपुर, वो एक शिव नगरी ही कहा जाता है। चिली नगर है देहरादून, चिली नगर कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहा जाता है, अगर हमें गुजरात से भी जाना हो तो भी हम माउंट आबू जा सकते हैं और राजस्थान भी जा सकते हैं, और राजस्थान और गुजरात के बीच आ रहा है माउंट आबू, लेकिन वो राजस्थान में ही कहलाता है। कर्नाटक का रक्त मैसूर, अरब सागर की रानी कोची बोली जाती है उनको। भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर, कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड ही कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मध्यालय, मेघालय को माना जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड।
उत्तर भारत का मेन चेयर कानपुर माना जाता है उनको। आखिर है मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी। वाराणसी में मंदिर और घाटे बहुत हैं और बहुत रमणीय सिटी है, एक बार आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा।